अगर दाल आपके डेली डाइट का हिस्सा है तो इन नियमों का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। आइए जानते हैं इन नियमों को। सबसे पहले, दाल को पकाने से पहले पानी में भिगोए थोड़ी देर, और अगर हो सके तो थोड़ा जर्मिनेट भी कर लीजिए पकाने से पहले। भिगोने से और जर्मिनेशन से एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर जो है ऑप्टिमाइज होते हैं, ताकि दाल में जो न्यूट्रिएंट है उसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में प्रॉपरली हो सके। दाल को सही रेशियो में खाना चाहिए। अनाज और दाल का रेशियो, यानी दाल और चावल का रेशियो 1:3, जैसे कि एक पार्ट दाल है तो 3 पार्ट अनाज होना चाहिए। ये रेशियो इसलिए है ताकि हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड रेशियो को करेक्ट कर सके। जहाँ एक तरफ दाल में मिथाइनिन अमीनो एसिड कम होता है और ग्रेन्स में ये भरपूर मात्रा में होता है, दूसरी ओर ग्रेन्स में लाइसिन कम मात्रा में होता है, जो कि दाल में बहुत अच्छे से पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन। इसके पीछे का साइंस यही है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इडली सांभर, दाल चावल, दाल रोटी, इसके पीछे की साइंस यही है कि हम इन कॉम्बिनेशन से एमिनो एसिड प्रोफाइल कॉम्बिनेशन को बैलेंस करते हैं, ताकि जब हम इस कॉम्बिनेशन को खाएं हमारे शरीर को कंप्लीट प्रोटीन मिले। और आखिर नियम है, हमें हफ्ते में 4 से 5 प्रकार के दाल अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, ना ही सिर्फ वेराइटी बल्कि अलग अलग फॉर्म और डिशेस के रूप में शामिल करना चाहिए। दाल को हम नॉर्मल पीली दाल के रूप में, स्प्राउट्स के रूप में, सैलड्स के रूप में, हलवा, इडली, डोसा या ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके लड्डू के फॉर्म में भी ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतने न्यूट्रिएंट्स आपको प्राप्त होंगे, और ये हमारे गट बैक्टीरिया हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो अगली बार जब आप दाल बनाएं तो इन नियमों को आप ध्यान में ज़रूर रखिए। ईट राइट, स्टे हेल्दी।